अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट ईयर का जिस चैप्टर के बारे में डिस्कशन करनी है मैथ्स की, वो है चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले कि हम इसके बारे में फर्दर डिस्कशन करें, पहले आपको बताना चाहूंगा कि आपके बोर्ड की न्यू स्कीम के मुताबिक आपका जो ये पैटर्न है इस चैप्टर नंबर 4 का, वो किस तरह मुकम्मल होगा या उसके कितने नंबर के कितने वो नंबर कैरी करता है। इस चैप्टर नंबर 4 में से 2 एमसीक्यूज आपके पास आएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 6 नंबर के, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। और जो ये लॉन्ग क्वेश्चन है ये बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 7 नंबर ए से शो होगा, यानी उसका, और ये 5 नंबर का। तो टोटल इसकी जो वेटेज है वो 13 मार्क्स की है, और अगर आप इसको परसेंटेज में कैरी करें तो ये आपका ऑलमोस्ट, या ऑलमोस्ट नहीं, एग्जैक्ट 13% वेट कैरी करता है आपके पेपर में। अब इसके अंदर से सवाल ये पैदा होता है, बच्चे जो पूछते हैं कि एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं। अब वो आपके पास ऑप्शन है कि वो आपको न्यूमेरिकल भी दे सकता है, उसके अंदर वो आपको एक सिंपल डेफिनेशन के अंदर से भी पूछ सकता है, इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। इसके बारे में जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन और जो इसकी डिटेल्ड वीडियो है वो इंशाल्लाह फॉरसीएबल फ्यूचर में हम आपसे डिस्कस जरूर करेंगे कि अगर वहां पर 3 तरह के नाम, अगर हम गौर से पढ़े अपनी असेसमेंट की, वहां पर ए के यू ये 3 वर्डिंग लिखी होती है। अब इसके बारे में क्या है, इसके लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग किसके साथ बनेगी, वो इंशाल्लाह हम अगले आने वाली वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं टॉपिक की तरफ। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये एक बात आपने हमेशा ध्यान में रखनी है कि जिस भी वर्ड के साथ इक्वेशन का वर्ड आएगा उसका मतलब क्या है कि उसके अंदर इक्वल्स का साइन अपीयर होगा। मतलब मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग इक्वल्स टू साइन, जिसके अंदर बेटा जी इक्वल्स का साइन आएगा वो चीज क्या कहलाएगी, इक्वेशन कहलाएगी। और क्वाड्रेटिक ये मैथ्स की जो वर्डिंग है इसका मतलब होता है 2। अब ये 2 यहां पर पावर से रिजेंबलेंस है, पावर के लिए 2 शो कर रहा है, और पावर आपको पता है हमेशा वेरिएबल की होती है, इसको हम डिग्री के नाम से जानते हैं। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर इन्वॉल्व वेरिएबल की डिग्री, और डिग्री का मतलब क्या है बेटा, हाईएस्ट पावर वो क्या हो, 2 हो, इन दोनों को कंबाइन करें वो चीज क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म आपसे डिस्कस करूं तो जनरल फॉर्म कुछ यूं है, ax² + bx + c = 0। अब देखिए बीच में साइन आ गया, इक्वल्स टू का लगा दें, चीज क्या बन जाएगी, इक्वेशन। और यहां पर वेरिएबल x है, यहां पर वेरिएबल की पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसमें देखें तो वेरिएबल पावर बेटा जी 2 है। तो हमने पावर हमेशा कंसिडर करनी होती है मैक्सिमम, मैक्स करके ज्यादा वाली को। तो लिहाजा हमारी जो हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर है, इसको हम पार बोलते हैं, वो बेटा ये 2 है। और 2 का मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक। लिहाजा इस दोनों के कॉम्बिनेशन से ये जो जनरल फॉर्म है ये इसकी इक्वेशन को और इसकी डेफिनेशन को शो करती है। एक चीज नेक्स्ट, एक बात याद रखिएगा, अब हमें आगे इसके मेथड्स पढ़ने लगे हैं, जो अगर आपके पास एक इक्वेशन है वो सोल्व करने आ जा रहे हैं, उसको सोल्व करने के 3 तरीके हैं, बट बेटा कंडीशन होगी कि वो इक्वेशन कौन सी है, क्वाड्रेटिक। इसको सोल्व करने के 3 मेथड हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, और थर्ड वन है बेटा बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब अगर आप अपने एक्सरसाइज 4.1 देखें तो वो जो 4.1 है वो सारी की सारी इन 3 बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस करती है। और आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग 3 दीस टेक्निक्स और मेथड्स। अब हम एक एक करके इसको पढ़ते हैं। एक चीज बेटा साथ-साथ आपको बताई जाए कि ये जो वीडियोस हम आपके लिए शेयर कर रहे हैं, आपको बनाने दे रहे हैं, आपने ऐसा बहुत कम देखा होगा कि आपको आपकी मर्जी के सवाल करके दिए जाए। इसके अलावा साथ-साथ मैं आपको बताता भी रहूंगा, फिर भी मैं आपको ये अनाउंस कर देता हूं कि किसी बच्चे को इसके अलावा किसी और सवाल में कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट में हमें ये कह सकता है, तो हम उसके इंशाल्लाह इस सारे सवाल की मसलास के हल करेंगे इंशाल्लाह। अब सबसे पहले बेटा हम फोकस करते हैं फैक्टराइजेशन को। तो मैंने एक रैंडमली क्वेश्चन पिक किया, थोड़ा सा सोल्व करने का काबिल भी है, डायरेक्ट नहीं मैं करवा रहा, शुरू के 2 सवाल करा के भी मैं आपको समझा सकता था, लो जी बेटा फैक्टराइजेशन और कंप्लीट नहीं, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे इंशाल्लाह, आपको बाकी और इस लेक्चर में काफी फर्क नजर आएगा। नेक्स्ट बंद कर दे ले बेटा जी, अब हम
फैक्टराइजेशन मेथड से जिस सवाल को हल करने जा रहे हैं, रैंडमली क्वेश्चन पिक किया है क्वेश्चन नंबर 6, और मैं आपको पहले बता चुका हूं कोई क्वेश्चन आपने करवाना हो तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, है ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहली बात यह है कि वो होनी चाहिए आपकी जनरल फॉर्म में। अब ये जनरल फॉर्म में नहीं है, लिहाजा हम इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या टेक्निक यूज होगी, वो इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, x प्लस 1 और x, दोनों चीजें आ जाएंगी। एलसीएम लें तो यहां आ जाएगा x स्क्वायर, और बेटा यहां पर आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, यहां लग रहा है फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ओवर, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बेटा बन जाएगा x स्क्वायर प्लस x is equal to 5 by 2। अब इनको ऐड अप करें, x स्क्वायर और x स्क्वायर, 2x स्क्वायर 2x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस x 5 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 into 2x स्क्वायर 2x प्लस 1, 5 into x स्क्वायर प्लस x, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4x स्क्वायर 4x प्लस 2, 5x स्क्वायर प्लस 5x। सारी वैल्यूज एक तरफ ले आए, क्योंकि आपको नहीं देखा होगा कि जो जनरल फॉर्म है उसके अंदर राइट साइड पे इक्वल्स टू 0 है, तो ये सारी फॉर्म एक तरफ ले आए, 4x स्क्वायर है 5x के लिए आके माइनस, फिर बेटा 4x है 5x आके माइनस, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं कि बन जाएगा माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या ये जनरल फॉर्म में आ गया, उसका जवाब है नहीं। जनरल फॉर्म के लिए एक बात हमेशा बच्चे याद रखिएगा कि जो फर्स्ट वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, आपको अक्सर चलेंगे नहीं ये ए नेगेटिव भी हो सकता है लेकिन नहीं वो गलत है, अगर ये नेगेटिव होता है तो अगले मेथड में इसको क्यों पॉजिटिव करते हैं। तो ये चीज आपको अपने जिम्मे में बिठा लेनी है कि बेटा ये सिर्फ पहली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव आपके लिए आता है, माइनस कॉमन लेंगे और उसकी जगह चेंज करेंगे, तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप लोगों ने 9th क्लास में जो एक टॉपिक पढ़ा होगा वो भी ये फैक्टराइजेशन का ही था, लेकिन आपको आपके टीचर ने बताया कि उसके फैक्टर्स जिसको हम बोलते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग, यही वजह है कि बेटा इस कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम मिड टर्म ब्रेकिंग भी है। वो क्या तरीका है, सबसे फर्स्ट वैल्यू, अब देखिए जनरल फॉर्म में आ गई है क्या, पहले पावर 2 है फिर 1 रहेगी फिर खाली कांस्टेंट, तो आप यहां करना है सबसे फर्स्ट वैल्यू को सबसे लास्ट से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप सबसे फर्स्ट वैल्यू में रफ वर्क करूं तो आप बता दूंगा x के को आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 से तो ये बनेंगे बेटे माइनस 2x के। अब इसमें जो खाली कांस्टेंट है 2, अगर आप उसके प्राइम फैक्टर में बेटा वो सिर्फ 2 बन रहे हैं, 2 मतलब सिर्फ एक वैल्यू आपकी डिजिट एक आ रहा है। अब ये हमें कैसे खत्म करना है, इसको कैसे, अब रूल तो ये है कि जो आंसर है उसके दो कम से कम फैक्टर्स बनाने। अब आंसर ही एक है तो कोई बात नहीं बेटा, आपने घबराना नहीं है, जो एंड पर 1 बचा वो साफ लगा देंगे। अब देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2 भी आ रहा है, और दोनों को सोल्व करें तो मिड वैल्यू भी आ रही है। तो यहां से रूल ये निकला कि जो प्राइम फैक्टर्स लेने के बाद जो आपके पास दो फैक्टर्स बन रहे हैं या दो जो आपने बना लिए हैं उनको आपने इस तरह से सोल्व करना है कि जब उनको मल्टीप्लाई करें तो ये वाली वैल्यू है, प्लस या माइनस करें इसको बोलते हैं सोल्व करें तो बेटा वो दरमियान वाली वैल्यू है। इसलिए क्योंकि यहां जिक्र दरमियान वैल्यू का है इसलिए इसका नाम मिड टर्म ब्रेकिंग। अभी आपको बताते हैं कि ये मिड टर्म कैसे ब्रेक होती है। अब देखिए मैंने आपके सामने यहां पर किया तो मैंने दो वैल्यूज नहीं बताई, क्योंकि एक वेक्टर हमारा 2 बन रहा है, सेकंड फैक्टर हमारे पास 1 बन रहा है। अब x स्क्वायर एक और बात, क्योंकि इसका नाम मिड टर्म ब्रेकिंग है तो आप देखते हैं कि जो दरमियान वाली वैल्यू पे वेरिएबल है वही वेरिएबल आपने इन दोनों के साथ लगा। तो देखें एक तो आ जाएगा 2x, एक आ जाएगा 1x। अब आप कहेंगे सर आपने बीच में साइन तो लगाए नहीं, तो बेटा साइन की टेक्निक है, टेक्निक क्या थी बेटा, मल्टीप्लाई कराते हैं आपको साइन चाहिए था माइनस का और सोल्व करते हैं आपको साइन चाहिए 1 का, देखिए आप कुछ भी तो 1 होता। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल सी बात है बेटा, बड़ी वैल्यू के साथ साइन लगाएंगे हम प्लस का और छोटी वैल्यू के साथ हम साइन लगाएंगे माइनस का, जब आप इनको सोल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब इन दोनों में से हम x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, इनमें से बेटा माइनस 1 कॉमन लेंगे अगेन x प्लस 2, ये दोनों सेम आने का मतलब यह है कि आपके फैक्टर्स बिल्कुल ठीक बने हैं। अब बेटा यहां पर एक चीज आपने याद रखनी है
जो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं ये जरूर लिखिएगा। ये देखिए छोटे छोटे अल्फाज आपको पास कराएंगे, नंबर पूरे दिलाएंगे, पास के नंबर पूरे दिलाएंगे। अब इधर अगर आप कॉमन लें x प्लस टू तो बेटा वो भी जीरो है, और दूसरा क्या बेटा x माइनस वन वो भी जीरो है। यहां से x निकाले बेटा टू जाके माइनस हो जाएगा, और अगर आप यहां से x निकाले तो बेटा वन जाके प्लस हो जाएगा। और अगर आप इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़े जो चैप्टर के शुरू में बेटा उसमें वर्ड लिखा होता है सोल्व, सोल्व मतलब होता है सोल्यूशन, और सोल्यूशन बेटा हमेशा सेट की फॉर्म में लिखते हैं, लिहाजा इसका आंसर आएगा एस एस माइनस टू वन, ये इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो मेथड है वो है कंप्लीटिंग स्केल, और आप शायद थोड़े से परेशान हो रहे होंगे सर ने तो सवाल से लिखा नहीं, तो सर आपको सवाल नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं आपको सवाल कराऊंगा, लेकिन मैं आपको यहां पर वो चीज करवा रहा हूं जो बहुत कम टीचर्स या बहुत कम लोग सिखाते हैं। वो क्या है बेटा, हम कंप्लीटिंग स्केल का मेथड अप्लाई करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्रूव करेंगे, और इक्वेशन कौन सी लेंगे, जनरल फॉर्म। बेटा हमारे पास जो जनरल फॉर्म है वो ये है ax2 bx + c is equal to 0। अब साथ-साथ हम कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कंप्लीट कर लेंगे और हमारे पास क्वाड्रेंट फॉर्मूला भी प्रूव हो जाएगा। क्या करना है बेटा, मेरे जो मैं आपसे वर्डिंग बोलूंगा आपने ज़हन में सबसे पहले बेटे वर्डिंग क्या है कि जनरल फॉर्म जब भी आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करना है, पहला स्टेप मैं स्टेप सारे यहां लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। पहला स्टेप बेटा कि जो खाली कांस्टेंट है वो इक्वल टू की राइट साइड पे आना चाहिए, कांस्टेंट शुड बी एट राइट साइड। मतलब अब देखिए इसमें सिर्फ कांस्टेंट c है, तो हम क्या करेंगे बेटा, पहला स्टेप कि इस c को वहां शिफ्ट करेंगे, और जब c वहां जाएगा वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेप बेटा, सेकंड स्टेप ये है कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी 1। x स्क्वायर के साथ जो लिखा होता है वैसे ही बेटा वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट लिखा हुआ हो वो उसका कोएफिशिएंट कहलाता है, यानी कि x स्क्वायर कोएफिशिएंट a है और खाली f का कोएफिशिएंट क्या है बेटा, b है। तो अगर आप x स्क्वायर की बात करें तो हम क्या कहेंगे उसका कोएफिशिएंट क्या है a, तो मैंने उसी की बात की है कि कोएफिशिएंट ऑफ x शुड बी 1, लेकिन ये 1 तो नहीं, अगर 1 ना हो, इफ नॉट, अगर 1 नहीं है देन बेटा आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है आपने होल इक्वेशन को विद दैट इक्वेशन, सॉरी विद दैट कोएफिशिएंट। क्या बताया मैंने दोबारा सुने, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के शुड बी 1, अगर 1 नहीं है तो आप क्या करेंगे, जो ये बेटा वेरिएबल लिखा आ रहा है या कोएफिशिएंट लिखा आ रहा है इसको आपने पूरे सब से डिवाइड कर देना है। और अगर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे तो उसके अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा है पूरी इसकी कंप्लीटिंग स्केल के क्वेश्चन में जिसके साथ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ 2 लिखा हुआ, बाकी सारे 1-1 वाले हैं। ठीक है जी, तो फिर आपको बता रहा हूं कोई इस बार आपने पूछना हो तो आपके मैडम बता सकते हैं। अब क्योंकि बेटा कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर a था तो आपने सारी वैल्यूज को बारी बारी ऐसे डिवाइड कर दिया, कटिंग की सोल्व किया तो कुछ यू आपके पास वैल्यू बना। नंबर 3 स्टेप बेटा फॉर्मूला अप्लाई करना, और फॉर्मूला कौन सा, या तो a प्लस बी का स्क्वायर या बेटा a माइनस बी का स्क्वायर। अब ये हमें कहां से पता चलेगा कि a प्लस बी का स्क्वायर अप्लाई करना है या a माइनस बी का अप्लाई करना है बेटा, तो वो आपके पास जो दूसरी वैल्यू है ये बताएगी कि प्लस वाला कि फॉर्म माइनस वाला, इसमें साइन कौन सा है प्लस, तो हम भी कौन सा अप्लाई करेंगे प्लस 2 का फॉर्मूला। बड़ी एक सिंपल टेक्निक है आप ये समझ लें वो क्या है, पहले इस तरह फॉर्मूले की फॉर्म में लिख ले कैसे, a स्क्वायर ये साइन प्लस का बेटा प्लस 2 ab याद रखिएगा, अगर यहां माइनस आएगा तो कौन सा लग जाएगा माइनस 2 ab, प्लस 2 ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c ओवर a। अब मैं फिलहाल यहां पर थोड़ी देर छोड़ रहा हूं। अब देखिए बेटा यहां क्या आना चाहिए, x गुड, क्योंकि x का स्क्वायर लेंगे x स्क्वायर आ जाएगा, ये मैंने कहा है ये a स्क्वायर है, ये पहला फैक्टर किस चीज का था a का, गुड, तो यहां पर a तो लिखे x आ जाएगा। तो आप यहां से एक बात अपने ज़हन में ये बांध लें कि पहली दोनों ब्रैकेट में हमेशा x आएगा, चाहे किसी भी किस्म का सवाल हो, ये आपको आज मैं टोटका बता दूं, पहली दो वेरिएबल में यानी कि पहली दो ब्रैकेट में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ x। नेक्स्ट बेटा
यहां बी का ये जो दूसरी ब्रैकेट है यहां आपने एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसमें इन तीनों को सोल्व करें तो ये वाली वैल्यू है। अब अभी तक हमारे पास 2x बन गया, लेकिन हमें चाहिए क्या? b ओवर ax, ऊपर हमें चाहिए b और नीचे चाहिए a, ये तो बेटा b ओवर a तो कर लिया, लेकिन जब उसको सोल्व करेंगे बन जाएगा 2b ओवर ax। अब ये 2 तो आपको नहीं चाहिए, तो 2 कैसे खत्म करेंगे? पिछले फैक्टर पे 2 लगाएंगे ताकि ये 2 से कैंसिल हो जाए और ये वही चीज बने जो आपको बचे। तो ये किस चीज की वैल्यू बन जाएगी? b की, तो यहां पर आ जाएगा b ओवर 2। अब देखिए फार्मूला रिपीट हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन बेटा आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं है, किस तरह? अगर आप इसी इक्वेशन को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये b ओवर 2a वाला जो फैक्टर है ये आपने खुद ऐड किया। क्यों ऐड किया? ताकि हम अपनी इक्वेशन या अपना फार्मूला कंप्लीट कर लें। अब इसको आपने अगर एक साइड पे ऐड किया है तो ऑब्वियस है, ये रूल है मैथ्स का कि आपको राइट साइड पे यही चीज ऐड करनी पड़ेगी। तो बेटा ये चीज क्या बन जाएगी? b ओवर 2a का स्क्वायर। नेक्स्ट इसी चीज को एक दफा और करते हैं आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको ये बात याद रहे, ज़हन में नहीं याद रहे। बेटा पहले आपने बगैर किसी तर्क दो के ऐसे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर करने के बाद जो फैक्टर लिखा आ रहा है बेटा यहां पर भी b स्क्वायर करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया सिंपल। फिर टोटल क्या आया था? पहली दो वैल्यूज हमेशा x आएंगी। अब यहां एक ऐसी वैल्यू लगानी है जिसमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो बेटा ये आ जाएगा, वो क्या आया था बेटा? b ओवर 2a। और जो यहां पर b ओवर 2 आएगा अगली दोनों वैल्यूज में वही आएगा, आप डायरेक्ट कैसे कर सकते? समझ भी आ गई, कुछ टेक्निक भी समझ आ गई। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बेटा होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये माइनस c ओवर a, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर होता है। हमें बेटा फाइंड करना होता है x, क्या करेंगे? बोथ साइड का स्क्वायर ले लेंगे, x प्लस b ओवर 2a इज इक्वल टू कैंसिल, यहां आ जाएगा साइन प्लस माइनस का, मैं डायरेक्ट यहां पर बेटा एस में लेता हूं, वो आ जाएगा 4a स्क्वायर, इसकी जगह चेंज करने b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर। अब हमने बेटा फाइंड करते हैं x। अगर आप और से देखें तो जो नीचे वाला फैक्टर है उसका तो स्केल बन सकता है, और वो क्या होता है? 2a, गुड, वेरी गुड। हमने फाइंड करना है x, तो बेटा क्या करेंगे? ये b ओवर 2a प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, सेम। अब इसका एलसीएम ले लें बेटा, और अगर आप देखेंगे तो यही आपके पास क्वाड्रेटिक होगा। तो ये b स्क्वायर माइनस 4ac, ये पूरा एक लॉजिक है, इसको आगे जाके पढ़ेंगे, इसके कॉन्सेप्ट है हमारे पास, बट अगर इस पूरे को ओवरऑल देखा जाए तो बेटा ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। और हमें कहना चलेगा abc क्या होता है बेटा? वो सिंपल सी बात है, x स्क्वायर के साथ जो लिखा होता है वो a होता है, x के साथ जो लिखा होता है वो b होता है, और जिसके साथ नो वेरिएबल हो, कोई भी ना हो, खाली कॉन्स्टेंट है, उसको बेटा c कहते हैं।